राजधानी भोपाल के जोन क्रमांक 6 HO द्वारा बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भोपाल शहर में लगातार स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है। महापौर मालवीय राय लगातार भोपाल शहर को स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रही है। नगर निगम के कुछ अधिकारी स्वच्छ भोपाल अभियान के नगर पर गंदगी का अंबार करके रखा है। हम बात कर रहे हैं जोन क्रमांक 6 जहां के निवासी काफी परेशान है। गंदगी को लेकर दरोगा की मिली भगत की गंदगी का अंबार बना जोन 6 जहां लगातार भोपाल शहर को स्वच्छता के नंबर 1 पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम कुछ अधिकारी उसका मजाक बनते दिख रहे हैं। महापौर मालती राय लगातार हर जोन का दौरा करती है, उसके बाद भी खुलेआम गंदगी का अंबार देखने को मिलता है। जहां लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश स्वच्छता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन के कुछ अधिकारी उसका मजाक बनाकर देख रहा है। अब देखना ही होगा कि नगर निगम कमिश्नर इसमें क्या कार्यवाही करते। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? अरे आपने जो कह के गए थे ना, मतलब के मैं है ना इधर से है ना मीडिया वाले भैया ने कि भाई इधर इतनी गंदगी हो रही है, चैम्बर बह रहा है, घर में से लेटरिन आ रही है, लेकिन है ना कोई भी मतलब अभी तक नहीं आया है। आज 3-4 दिन हो गए हैं, आप बताओ घर में से पानी बह रहा है, लेटरिन घर में से बह रही है। दीदी जो जोन 6 के एसओ है ना, मेरी उनसे कचरे को लेकर भी बात हुई है, जो आपके ना कचरा पड़ा है तो हाँ। वो तो मुझसे बोल रहे हैं कि उस एरिया में लगातार सफाई चल रही है, अभी मेरी बात हुई है। देखो जहाँ से है ना बी दस के तरफ ज्यादा ही गंदगी है और इधर कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर सुनवाई। तुम नगर निगम के लोगों से नहीं बोलो, वहाँ कम से जाके बताना था ना आप लोगों को। दरोगा से बोला हमने तो उनने बोला कि मतलब है ना पहले से इधर से सफाई होगी कि अलग है, तो मतलब इधर से घरों में से पानी बह रहा है, इधर की बाद में होगी। तो दीदी आपके इधर कचरा उठ रहा, कार्य चल रहा है ना? नहीं नहीं वो भैया से नहीं नहीं वो अभी इधर नहीं चल रहा है, पीछे वाली बिल्डिंगों में चल रहा है। आप बोल रहे हो नंबर भी नहीं बता रहा है। तो आपको भी समस्या है टोटल में, कमिश्नर मैडम को आपकी ये जो अपर मैम है उनको मैं ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, इसलिए आप बताइए आपको जो भी समस्या है। आप एक काम करिए, आपने जो नंबर अभी दिया है ना तो बात करो आप। हाँ भाई साहब। हाँ मैंने अभी आपको एसओ साहब का नंबर दिया था, क्या हुआ भैया? वो नंबर उनने है ना 989 जो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे तो वो नंबर सेव नहीं कर पाए हम यार। तो वो एसओ साहब बोल रहे थे? हाँ एसओ साहब एक बोल रहे थे आप सही से नंबर नहीं लोड कर पा रहे, तो आप कहते हैं कि फिर एक चक्कर यार भाई साहब तुम ही दे दोगे क्या व्हाट्सअप? नहीं आप मुझे बताइए एसओ साहब आपसे क्या कह रहे हैं, आपने सफाई उपाई का बोला उनसे? तो नहीं आपने जिसका नंबर दिया था हमें, एसओ साहब का दिया था मैंने जोन 6 के, हाँ तो उनने हमें ढंग से नंबर नहीं बता रहे थे कि इनको फोन लगा लो इनसे बात कर लेना, अब वो उनने उनका एसओ साहब ने उनका नंबर ही नहीं दे पाए ढंग से नहीं दे पाए। तो अरे यार एसओ साहब खुद मुखिया है वहाँ के, उनको करवाना चाहिए ना सफाई। हाँ तो वो बोल रहे हैं कि हम नहीं करवाएंगे, जिसका जो करवाएगा उसका नंबर ले लो आपको। अच्छा तो अभी मतलब आपके इधर क्या क्या समस्या है, टोटल कचरा उठ गया क्या? कचरा तो सर आपने जो काम करा था कचरा उठ गया, झाड़ू माड़ू नहीं लगी है ना, झाड़ू माड़ू नहीं लगी कचरा, वो पूरी जो आपने करवा गए थे ना जो पूरा घूरा मूरा सब साफ हो गया। मल्टी पूरी साफ हो गई पीछे की और आगे की? नहीं आगे की नहीं हुई, पीछे की मल्टी नहीं हुई, वो जो आपने घूरा की एक आगे का लिया एक पीछे का लिया था घूरा वाला। आपके इधर से कब से कचरा नहीं उठाया नगर निगम के लोगों ने? हमारे इधर से तो अभी बहुत दिन से नहीं उठा रहे ना झाड़ रहे इधर। अच्छा अभी आपकी तो समस्या है कुल मिलाकर? हाँ कुल मिलाकर वही समस्या है जो आप देख के गए थे ना वही है, मतलब सीवेज भरा आपके इधर वो लेटरिन बाथरूम आपके घर के अंदर से और बाकी वो जो कचरा सामने आमने पड़ा है नाले में इधर उधर वो है। हाँ वो सब 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 पहले जैसी समस्या जैसे आप देख के गए थे ना वही समस्या। जी जी चलिए ठीक है, मैं मैम को ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ आपकी है ना। हाँ हाँ भाई साहब कर दीजिए। हेलो। हाँ सर वो मेरी बात हुई है, बहुत परेशान हो रहा है यार। बोलो। हाँ तो परेशान किस बात से, पहले ये तो पता करो यार। वो एक सीवेज से परेशान है तो सीवेज वालों को लगाओ, कचरे से परेशान है, वहीं नाला निकला है, कचरा सफाई हो रही है, सब हो रहा है काम, ठीक है ना? अच्छा हाँ सफाई हो रही है वहाँ पे, और तो जाकर के देखो ना वो लोग बोल रहे हैं, जा तो हो नहीं रहे हो वो लोग बोल रहे हैं तो जब तो चले गए, जब उसमें जो तुम्हारे को जो भाई करना था, अब जब सफाई हो गई तो जाकर के देखो ना वहाँ क्यों नहीं जा रहे। वो बता तो रहे हैं कि जो नाला है उनके बताने से छोड़ो, तुम तो खुद जाकर देखो भैया मेरे भाई। सर मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं खुद 2-3 दिन ग्राउंड में आऊंगा। कल जाओ परसों जाओ जब भी जाओ जाकर के देखना, हम हमारे पास जो हमला है उस हमले के माध्यम से सफाई कराते हैं। अरे सर आप वहाँ के मुखिया हो, अगर आप परमानेंट अगर आप सुनो तुम्हें ज्यादा सफाई देने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। अच्छा ठीक समझ रहे हो मेरी बात को, और ये जो तुम और जो तुम चाह रहे हो ना मैं करूंगा नहीं। क्या चाह रहे हो नाम बताओ? चाह रहे हो ना
जो भी तुम चाह रहे हो मैं करूंगा नहीं। मैं तो कुछ नहीं चाह रही है। लगाने से कोई मतलब नहीं है, तुम जितनी कवर छाप सकते हो जितना तुम बता सकते हो बताओ भैया, काम कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं चाहता, करने में विश्वास कर रहे हैं, काम ही करो, काम ही करो। आप नगर निगम काम कर रहे हो और फालतू के लिए दोबारा ऐसा फालतू फोन नहीं लगाता। अच्छा, और जो काम करो जाकर के काम देखो, अगर नहीं हो रहा है वो बताओ, संबंधित को बताएंगे, काम कराएंगे। अरे मैं तुम्हें कॉल क्यों करूँ, हर दो मिनट बाद फोन लगा रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे लगा रहा हूँ फोन, ऐसे कैसे लगा रहे हो? इधर देखो ना, ये लोग बोल रहे हैं पब्लिक परेशानी में। नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं हर दो मिनट बाद तुम फोन लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? कितने बार, कब लगाया, कब लगाया? डिटेल दो, कॉल डिटेल दो और आराम से बात करो, समझ गए? आप क्या पराए उससे बात करूंगा मैं? आपसे क्यों करूँ? योगेंद्र पटेल सर से बात करूंगा, कमिश्नर साहब से? आपसे क्यों करूँ? आप वहाँ पर काम कर रहे हो, DSS रहेंगे आपके, और वहाँ पर नौकरी कर रहे हो, HO बने बैठे हो, DSS हो आप? जो तुम चाह रहे हो ना, अरे वो तुम्हारा काम नहीं है सर। सर बोलिए तो मैं क्या चाह रही हूँ, आपके मुँह से बोलिए। अरे भैया, जो प्रशासनिक स्तर का काम है, जो जिम्मेदारी मिलेगी वो काम करेंगे, तो करो ना सर। तुम समझ गए ना? हाँ तो क्या कर, हाँ तो करो ना सर काम। और मैं दो मिनट में आपको कब कॉल कर रहा हूँ, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तो आपको दो मिनट में कॉल नहीं कर रही हूँ। जो अपेक्षा तुम रख रहे हो ना, वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ करते भी नहीं हो ना ही किसी को करने देते हैं। अरे सर इधर सुनिए, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। पब्लिक परेशान है, मैं पब्लिक का पत्रकार हूँ, पब्लिक को राहत दीजिए। मैं आप मुखिया हैं,